बहुत इनोसेंट लड़की है, टीनेज इनोसेंट लड़की है, अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करती है एंड शी इज़ अ गुड सोल, बहुत स्वीट, बहुत अच्छी है और बस और ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं। ये भी एकता है। हाँ, वन मोर, ये भी बता सकते हैं। हाँ, मेरा भी नाम एकता है। कितना कनेक्ट किया आपने और जब सुमन सर ने मुझे बताया था कि ये आपका रोल है तो आई वॉज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने ऐसा कभी कोई रोल किया नहीं है इससे पहले और जो उसका जर्नी है, जिस तरीके से वो जो फेस करती है चीज़ें, वो सब मुझे उस सिचुएशन में आना पड़ा पहले और उसके बाद हम लोगों ने शूट किया था। आई रिमेम्बर सर के साथ मैं पहले मीटिंग की थी मैंने सुमन सर के साथ, उन्होंने मुझे कैरेक्टर ब्रीफ दिया, आई वाज लाइक देयर ओनली, आई वाज लाइक पापा आई वांट टू डू दिस, कुछ भी हो इसके लिए आई कैन डू एनीथिंग, बट आई वांट टू प्ले दिस कैरेक्टर, द गर्ल्स कैरेक्टर आई वांट। एंड ऑनेस्टली मैंने इसके साथ काम किया है, इस फिल्म में मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे एक्टरों को देखा है, बट ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इसने जो परफॉर्म किया है, जब आप फिल्म देखेंगे, ट्रेलर में तो इसका कुछ ज़्यादा है नहीं, बट जब आप फिल्म देखेंगे तो शी इज़ एक्चुअली इवन एज अ परफॉर्मिंग वाइज द सोल ऑफ द मूवी, शी इज़ अ वेरी वेरी गुड। सर, इस मूवी में देखा गया प्रमोशन के दौरान कि आप लोग सभी लोग हंस रहे हो कुछ सवाल देने के लिए, कुछ ऐसा राज है जो आप नहीं बताना चाहते हो? वो राज ये है कि बिकॉज ये फिल्म इतनी सीरियस है, इतना ड्रामा है, लेकिन शूटिंग पे इतनी मस्ती होती थी, ये लोग मेरी लुंगी लेके भागते थे। वी हैड लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग शूटिंग, तो एक अच्छा सा एटमोसफियर था, अच्छा माहौल था शूटिंग के दौरान। सो आई थिंक वो हंसी मजाक जो हम लोग का चलता है, मेरा रुशाद का, यू नो, हम तो बचपन से इनको टीवी देखते आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हम लोग की आपस की दोस्ती, आपस का प्यार है, मस्ती है, नॉट इन, बिकॉज फिल्म इतनी सीरियस है तो शूटिंग में इतनी मस्ती होती थी जो अभी भी हो रही है, सो इट इज दैट फन। सर, आप अपने किरदार के बारे में? जी, मैं इसमें एक प्रोफेसर फिलिप नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि फिल्म के एक ऐसे पॉइंट पे आता है जब थोड़ी सी मेन कैरेक्टर को परेशानी हो रही होती है और उनको लगता है कि कहीं पे मामला बिगड़ रहा है, तो इससे पहले कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, दे ब्रिंग दिस कैरेक्टर कॉल्ड प्रोफेसर फिल्म। प्रोफेसर फिल्म की खासियत यह है कि उन्होंने ईविल स्पिरिट्स और इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी स्टडी वगैरह की है, तो बस इतना ही बता पाऊँगा। एंड बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें याद करनी पड़ी थी, तो दैट वॉज प्रेटी चैलेंजिंग फॉर मी। नहीं नहीं, ईद का सेलिब्रेशन तो ऑलवेज अच्छा ही होता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और हमारे घर में तो डैडी के टाइम से वही है कि लंच पे तो सब लोग आ ही जाते हैं, घर वाले जो लोग हैं वो शाम तक चलती है ईद को, तो आप सबको भी ईद मुबारक।